अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। अच्छा जी, आज हम सोशल स्टडीज़ की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करेंगे। आप पता है आपको वो एक्टिविटी कौन सी है? बहुत ही मज़ेदार सी एक मैचिंग की एक्टिविटी है आज मेरे पास आपके लिए। अच्छा जी, और इसके लिए अब आपको क्या करना है, आप अपनी बुक वन जो है सोशल स्टडीज़ की वो ओपन कीजिए और उसका पेज नंबर 6 निकाल लीजिए। आपको पता है ना हम कौन से चैप्टर पर हैं अभी? हम हैं चैप्टर नंबर 1 पे। वेरी गुड। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? आई एम। यस, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आपको पता है यहाँ पे काम क्या है? बिल्कुल, आपके पास आपने देखा कि बुक में एक मैचिंग की इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। और हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है मैच ईच पिक्चर विद द थिंग्स दैट कीप इट क्लीन। हमें तस्वीरों को ऐसी चीज़ों से मैच करना है जो उसे क्लीन रखती हैं। ठीक है, समझ में तो आ रही होगी आपकी एक्टिविटी। तो चलें अब देखें क्या है। चलें अब आप देखें इस पेज को गौर से और फिर हम इस पे मैचिंग की एक्टिविटी करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहाँ पे इस पेज पे क्या क्या चीज़ें तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं? यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी है, बाथटब भी है, एक रो में आप देखेंगे वॉश बेसन भी है, टिश्यू पेपर भी है और टूथब्रश एंड पेस्ट भी मौजूद है। यानी ये सारी चीज़ें हमारी किस चीज़ में इस्तेमाल होती हैं? क्लीनिंग में इस्तेमाल होती हैं। अब हमें देखना है ये कहाँ कहाँ हमारी हेल्प करती हैं। चलें अब सबसे पहले हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन हमारी कहाँ मदद करती है क्लीनिंग में? वेरी गुड। आप सामने हम इसमें किस पिक्चर से मैच करेंगे? बिल्कुल ठीक, वॉशिंग मशीन कीप क्लीन अवर ड्रेसेस। यस, तो हम इसे किससे मैच करेंगे? वॉशिंग मशीन को आप मैच करेंगे क्लीन ड्रेस से। बिल्कुल ठीक। और मैच करने के लिए आप क्या करते हैं? हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास बाथ टब की। अब बाथ टब कहाँ हमें हेल्पफुल है क्लीनिंग में? यस, गुड। बाथ टब कीप्स क्लीन अवर बॉडी। वेरी गुड। तो हम बाथ टब को किससे मैच करेंगे? हम बाथ टब को मैच करेंगे बॉय से जो बहुत ही टाइडी और क्लीन लग रहा है। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर है वॉश बेसन की। अब वॉश बेसन हमें कहाँ हेल्प आउट करता है? बिल्कुल ज़बरदस्त, हम सब वॉश बेसन का यूज़ करते हैं ना घर में। वॉश बेसन कीप क्लीन अवर हैंड्स। हमें बार बार अपने हाथ धोने चाहिए, अपने क्लीनिंग का, अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो अब आप वॉश बेसन को किससे मैच करेंगे? बिल्कुल ठीक, हैंड से। जो आपके पास एक पिक्चर मौजूद है जिसमें हैंड्स वॉश करते हुए दिखाया जा रहा है, आप उससे मैच करेंगे वॉश बेसन को। गुड। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर किस चीज़ की है? टिश्यू पेपर। ये भी हमारी बहुत हेल्प करता है, हम बहुत यूज़ करते हैं टिश्यू पेपर को। अच्छा जी, अब इसमें कौन सी पिक्चर ऐसी है जो टिश्यू पेपर से मैच हो सकती है? यस, गुड। टिश्यू पेपर कीप क्लीन अवर नोज। इसमें एक बॉय नज़र आ रहा है आपको पिक्चर में जो अपनी नोज को क्लीन कर रहा है, तो हम टिश्यू पेपर को उस पिक्चर से मैच कर देंगे। गुड। अच्छा जी, अब लास्ट पिक्चर मौजूद है हमारे पास टूथब्रश एंड टूथपेस्ट की। ये तो हम सबके पास मौजूद है और हमारा सबका अलग अलग टूथब्रश होना चाहिए और होता भी है, हमें उसकी भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो हम टूथब्रश को किससे मैच करेंगे और ये हमें कहाँ हेल्प करता है? टूथब्रश एंड टूथपेस्ट कीप क्लीन अवर टीथ। यस, तो हम इसे किससे मैच करेंगे? टीथ की पिक्चर से मैच करेंगे। तो आपने देखा कि इसमें हमारे पास जो चीज़ें मौजूद थी, वॉशिंग मशीन, बाथ टब, वॉश बेसन, टिश्यू पेपर, टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, इन चीज़ों का हमने देखा कि इनका यूजेज क्या है और ये किस तरह हमारी क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। अब आपने क्या करना है भाई? आपने ये करना है, अगर तो आपने मेरे साथ साथ इस काम को कंप्लीट कर लिया है मैचिंग की टास्क को, तो वेरी गुड। अगर नहीं किया है तो जल्दी से अपना ये टास्क कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।